इस देश में संविधान और कानून दोनों की हत्या मोदी सरकार द्वारा कैसे की जा रही है, प्रजातंत्र को पांव तले कैसे रौंदा जा रहा है, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कैसे दबाया जा रहा है, उसकी व्याख्या लेकर आपके बीच में आए। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। जिस प्रकार से अब सार्वजनिक पटल पर समाचार पत्रों और पोर्टल्स की खबरों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है, मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पिगेसस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, जजेस की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की, खुद के मंत्रिमंडल के शायद मंत्रियों की, विपक्ष के सम्मानित नेताओं की, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की, उन सब की जासूसी करवा रही है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने स्वयं देश के संविधान पर हमला बोल रखा हो, कानून के शासन पर हमला बोल रखा हो, मौलिक अधिकारों पर हमला बोल रखा हो, और संविधान की शपथ जो ली थी सरकार ने, उस शपथ को भी दबाकर उस पर भी हमला बोल रखा हो। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पिगेसस के माध्यम से ये निशंस कार्य कर रही है। और ये तो एक सैंपल है, पिगेसस सॉफ्टवेयर करता क्या है, ये किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के उसके सारे पासवर्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है, और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पिगेसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। देशवासियों, आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से यह इजरायली सॉफ्टवेयर पिगेसस मोदी सरकार डाल सकती है, आपकी बेटी आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर यह डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी आपकी पत्नी आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है, जिसके फोन के अंदर भी पिगेसस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए, ये इसका परिणाम है। अगर ये देशद्रोह नहीं, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, तो क्या है? और न्यूज रिपोर्ट्स तो अब यह भी कह रही हैं कि केवल पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और खुद के मंत्रियों के नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड्स हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, मोदी सरकार उनकी भी जासूसी कर रही है। अरे किसी को तो बख्श दिया होता,
राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी, आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसका इसके सबूत अब है। और देश में जो चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अब पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे, हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी। इसीलिए तो बीजेपी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। और जासूसी के तो वो पुराने इस मामले में करवाते ही रहे। और दोस्तों, ये जासूसी आज से नहीं चल रही, ये पिछले लोकसभा चुनाव से भी पीछे से चल रही है, और इसका सबूत उपलब्ध है। आज मैं वो सबूत आपसे फिर साझा करने लगा। अगर आप इस जासूसी को देखें तो सर्ट इन जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये रिपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, ये उतार ली गई है, मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पिगासस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है। और इसमें उन्होंने बाकायदा लिखा, ओरिजिनल इश्यू डेट इज May 17, 2019, ए वल्नरेबिलिटी हैज बीन रिपोर्टेड इन व्हाट्सएप विच कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय रिमोट अटैकर टू एग्जीक्यूट आर्बिट्रेरी कोड ऑन द अफेक्टेड सिस्टम। और ये बाकायदा ट्रैकर न्यूज और सब कुछ इसके अंदर दिया है। अब साथियों, सवाल ये है कि ये पिगासस है क्या? ये एक इजरायली कंपनी है NSO, और ये कहते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर केवल और केवल सरकार को ही बेचते हैं और किसी को नहीं। कोई कह सकता है भैया ये तो सरकार, मोदी जी ने तो खरीदा नहीं होगा। तो मैं इसलिए उनकी वेबसाइट का भी आपको रिलीज कर रहा हूं, ये पिगासस NSO की वेबसाइट से। और उन्होंने साफ तौर से कहा, NSO प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्मेंट एजेंसी टू फाइट क्राइम एंड टेरर। मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, इंडिया टुडे, फ्रंटियर टीवी, वायर, न्यूज क्लिक, इनकी जासूसी करवाकर आप कौन से टेररिस्ट से लड़ रहे थे? आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? आप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जगदीप छोकर साहब की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? और अब सामने आएगा, आप अपने खुद के कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादियों से लड़ रहे थे? और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और शायद जजेस की जासूसी करवाकर क्या ये उग्रवादी और आतंकी हैं? और राहुल गांधी जी के स्टाफ की जासूसी करवाकर, अब 5 लोगों के उनके स्टाफ के भी नाम सामने आए, तो आप कौन से उग्रवादी से लड़ रहे? क्योंकि ये पिगासस का सॉफ्टवेयर तो केवल आपको बेचा गया, सरकार को बेचा गया और आपने खरीदा।
और तीसरा हिस्सा। साथियों, मंक स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने, जिनके पास सिटीजन लैब है, बाकायदा इस पिगासस सॉफ्टवेयर और हिंदुस्तान पर अटैक की जांच करवाई और उन्होंने जून 2017 में यह पाया। ये मैं उनकी रिपोर्ट की कॉपी आपको रिलीज भी कर रहा हूं, लगा भी रहा हूं, कि हिंदुस्तान के राजनीतिक व्यक्तियों, हो सकता है उनमें खड़गे साहब का फोन भी हो, अधीर रंजन चौधरी साहब का भी हो, ममता जी का भी हो, लालू जी का भी हो, अखिलेश जी का भी हो, दूसरे लोगों का भी हो, उन सबको अटैक किया गया था 2017 में पिगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ये वो रिपोर्ट की कॉपी है जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। और इतना ही नहीं साथियों, इस पिगासस सॉफ्टवेयर से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड को भी इन्फेक्ट कर दिया गया, यानी इस देश के लोग अपने टेलीफोन पर, यूट्यूब पर क्या देखते हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आप स्वयं, आपका बेटा ब्रॉडबैंड पर, यूट्यूब पर, टेलीफोन पर क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, उस पर भी मोदी सरकार नजर रख रही है। और जो जो ये मैं नहीं कह रहा, ये भी सिटीजन लैब रिपोर्ट में आया, और उन्होंने कहा कि जो जो कंपनियां इन्फेक्ट की उन्होंने इंटरनेट की, वो है भारती एयरटेल लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, खुद की सरकारी कंपनी को भी नहीं बख्शा, नेशनल इंटरनेट बैकबोन, सब कुछ उसी पे चलता है, NIC, कोर्ट की प्रोसीडिंग से लेके सरकार की सब कार्रवाई, हर डिपार्टमेंट की कार्रवाई तो NIC पर चलेगी, हैथवे केबल इंटरनेट, स्टार ब्रॉडबैंड सर्विसेज, एट्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये कागज भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, ये सब भी इंफेक्ट हो गया। और आज भी मोदी सरकार झूठ बोल रही है, आज भी IT मंत्री ने कह दिया हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, NSO और पिगासस को हम तो जानते ही नहीं, उन्होंने तो बयान ही दे दिया। शायद मंत्री जी, अगर आप कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन में पुराने IT मिनिस्टर का 28 नवंबर 2019 का जवाब पढ़ लेते तो इतना झूठ संसद को ना बोलते। ये मैं इस देश के फॉर्मर IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का संसद का जवाब दिखा रहा हूं आपको, जो कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन मोशन पर राज्यसभा में उन्होंने दिया, और वहां उन्होंने तीन बातें मानी। पहली बात कि 121 आदमियों के नाम उनके पास आए हैं हिंदुस्तान के, जिनके टेलीफोन को पिगासस इजरायली जासूसी यंत्र से हैक किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको दिखा देता हूं, ये मंत्री जी ने मान लिया और संसद के पटल के ऊपर मान लिया कि 121 नाम तो उनके पास है। तो जब मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मेरे पास 121 नाम हैं, तो फिर आज IT मिनिस्टर ये क्या कह रहे हैं? दूसरा, उन्होंने ये माना कि NSO को नोटिस दिया गया नवंबर 2019 में, ये भी उन्होंने मान लिया। ये है, अभी तक व्हाट्सएप ने हमें 121 नाम, ये देखा, तो ये तो खुद ही मानते थे। नवंबर 2019 में भारत सरकार ने संसद के पटल पर माना, और उसके बाद ये भी कहा कि हमने NSO को नोटिस दिया है। मैं आपको वो लाइन पढ़कर बता देता हूं, श्री रविशंकर प्रसाद, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि NSO को भी नोटिस दिया है, तो भैया उस नोटिस का क्या हुआ वैष्णव साहब, या आपको सरकार बता नहीं रही, नए नए IT मिनिस्टर बने हो, आप कह रहे हो हमारा पिगासस के बारे में जानकारी नहीं, आपके मंत्री कह रहे हैं 121 नाम है, हमने तो NSO को नोटिस दिया है। अब कौन सा मंत्री झूठ बोल रहा है, पुराने वाला झूठ बोल रहा है या नया वाला झूठ बोल रहा है? इसलिए हमारे सीधे सीधे 6 सवाल हैं। इस स्पाइंग ऑन इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस, जुडिशरी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, अपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग श्री राहुल गांधी, जर्नलिस्ट एंड अदर एक्टिविटीज,
थ्रू ए फॉरेन एंटिटी स्पाईवेयर, नॉट ट्रीजन एंड ए इनएक्सक्यूजेबल डिसमेंटलिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। क्या क्या हिंदुस्तान में मुख्य चुनाव आयुक्त, विपक्ष के नेता समेत श्री राहुल गांधी, खुद के कैबिनेट मंत्रियों, पत्रकार साथियों, एक्टिविस्ट और इन सब की जासूसी करवाना अगर देशद्रोह नहीं और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? दूसरा सवाल, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी सरकार जासूसी करवा रही थी? और तीसरा, भारत सरकार ने यह इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पिगासस कब खरीदा? क्या इसके लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनुमति दी या प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी? और कितना हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ या कितने सैकड़ों रुपया खर्च हुआ और वो पैसा कहां से आया? चौथा, अब यह साफ है कि अप्रैल मई 2019 में, ये देखिए ये सर्ट इनकी रिपोर्ट है, भारत सरकार को इस सॉफ्टवेयर की जानकारी थी। तो 2019 से 2021 के बीच में मोदी जी, अगर आपको जानकारी थी तो आप और अमित शाह जी चुप क्यों रहे? भारत सरकार ने रहस्यमयी चुप्पी, षड्यंत्रकारी चुप्पी क्यों साध रखी है? और पांचवा सवाल, देश में आंतरिक सुरक्षा के जिम्मेवार तो अमित शाह है, तो माननीय अमित शाह को एक सेकंड भी क्या अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सब तो उनकी देखरेख में हो रहा है। जासूसी कांड जो है इस देश का, वो तो अमित शाह जी की देखरेख में हो रहा है। और आखिरी, क्या प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए? यह कुछ प्रश्न है।